2023 को अंचल अधिकारी बड़कागांव के द्वारा पत्रांक 122 दिनांक 25/1/2023 को ग्राम गाली के आलोक में खाता संख्या 37 के अंदर सारे गर्मजरुआ आम गर्मजरुआ प्लॉट कुल प्लॉट 7 कुल रकबा 3.87 एकड़ भूमि जिसमें रास्ता देवस्थल मंदिर सरना स्थल तालाब पौराणिक दार्शनिक स्थलों गौतम बुद्ध कालीन प्रतिमाएं नाला इत्यादि को हस्तांतरित अडानी कॉल ब्लॉक जो प्रशासनिक विभाग का ग्रामीणों पर दबाव है उसी के विरोध में आज आम विरोध क्षेत्र प्रभावित ग्रामीणों आम जनता द्वारा पूर्ण विरोध किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर हम आम जनता उपरोक्त आम गर्मजरुआ को अडानी कंपनी के पक्ष में नहीं होने देंगे एवं जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलानुसार साथ ही पेरिस समझौता जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कोयला आधारित उद्योग वर्ष 2030 तक निश्चित किया गया ऐसी परिस्थिति में जमीन अधिग्रहण करना नियम विरुद्ध है। आज की ग्राम सभा में आम सभा की अध्यक्षता श्री वासुदेव जाधव द्वारा संपन्न किया गया। आज दिनांक 10/2/2023 को ग्राम गाली में अंचल अधिकारी बड़कागांव के पत्रांक 122 दिनांक 25/1/2023 के आलोक में आम सभा की गई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। इस कार्यक्रम के मौकों पर ग्राम सभा में अपना यह स्पष्ट मत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी जीविकोपार्जन बहुफसली जमीन की रक्षा हेतु अपनी जमीन किसी भी खनन परियोजना के लिए नहीं देंगे। इसके बावजूद प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक हित एवं व्यक्तिगत जोत की जमीन को अडानी कोल खनन परियोजना के लिए लोक सुनवाई ग्राम सभा कर हस्तांतरण करने की सूचना देना इन पदाधिकारियों के द्वारा जनहित से ज़्यादा अडानी हित में कार्य करना दर्शाता है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की आहूत आम सभा में ऐसे कुकृतियों का विरोध करती है। इस क्षेत्र के जंगल में कीमती फलदार वन जड़ी बूटियां जीव जंतु निवास करते हैं जो इस परियोजना के लागू होने से बुरी तरह प्रभावित होंगे जिसकी बार अंततः यहाँ के रहने वाले वनवासी आदिवासी हरिजन पिछड़ी जाति पर भी पड़ेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण हजारीबाग शहर में दिनांक 7/8/2023 को हाथियों का आक्रमण से जोड़ा जा सकता है। ज्ञात हो कि यह क्षेत्र बरसों से हाथी कॉरिडोर रहा। अपर समाहर्ता हजारीबाग के पत्रांक 2747 दिनांक 22/12/2021 एवं पत्रांक 621 क्या 62/13 दिनांक 5/1/23 में आम रास्ता नदी आहार पोखर देवस्थल मंदिर सरना स्थल जैसे सार्वजनिक उपयोग भूमि को भी कंपनी को हस्तांतरित करने का आम हिस्सेदार सूचना भी दीवाल बिजली खंभा में चिपका कर दी गई। इन सभी सार्वजनिक स्थलों का उपयोग गंदलपुरा बलोदर गाली इत्यादि गांव ही नहीं करते बल्कि इनका उपयोग अन्य गांव के लोग भी करते हैं। 3 बार ग्राम सभा रद्द होने के बावजूद पुनः आम सभा का आदेश देना हास्यास्पद है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सारे पदाधिकारी गण अडानी कंपनी के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। हम सारे जनता यह उम्मीद रखते हैं कि पुनः इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं किया जाए। अतः यहाँ की जनता आम गर्मजरुआ खास गर्मजरुआ रहती तथा जल जंगल की किसी भी जमीन को नहीं देना चाहती है। यही हम लोग का अंतिम फैसला है आम ग्रामीण जनता का हस्ताक्षर। प्रखंड से आए पदाधिकारीगण के समक्ष जनता की बातों को सुनने के उपरांत श्री वासुदेव जाधव मुख्य ग्राम पंचायत गंदलपुरा के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत तथा इस आम क्या चीज़
इस आशय को पढ़कर सुनाते हुए सभा का विराम दिया गया। धन्यवाद।